जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं राधा की कैसे हुई थी मृत्यु, क्यों तोड़ दी थी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी। प्रेम की मिसाल जब भी हम देते हैं तब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले हम देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा और श्री कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की ही उम्र में हो गई थी। श्री कृष्ण के देवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बना के रखा हुआ था। दोनों के रिश्तों की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में कहते हैं कि दो ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की ये दोनों चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी और वो थी बांसुरी और श्री राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से खींची चली जाती थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ हो लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती थी। श्री कृष्ण के हर चरित्र में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे ही प्रचलित कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। ये खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत ही दुखी हो गए थे। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वह राधा से मिलने गए थे। राधा ने श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि का पता रहता था। श्री कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा और श्री कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे लेकिन उनके पास श्री कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मणी से श्री कृष्ण की शादी हो गई थी। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मणी ने श्री कृष्ण से शादी की थी। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी उसी तरह रुक्मणी भी उसी तरह ही प्रेम करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मणी के पास श्री कृष्ण गए और शादी उनसे कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया था। जब अंतिम बार राधा और श्री कृष्ण मिले थे तब कृष्ण ने राधा से कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हों लेकिन कृष्ण के मन में हमेशा राधा साथ रहेंगी। उसके बाद मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस और बाकी राक्षसों का संहार कर अपना काम पूरा किया। उसके बाद द्वारका श्री कृष्ण चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में जाने लगे। वृंदावन में जब कृष्ण गए तो वे एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी में ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई थी। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी और बुरी तरह से निभाई थी लेकिन श्री कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे, वहीं अपने दिव्य कर्तव्य श्री कृष्ण ने भी निभाए थे। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर उन्हें पता चला लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब श्री कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफी देर तक बात की। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में राधा का कोई नहीं जानता था। श्री कृष्ण के महल में राधा को देवकी के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया गया था। महल के में दिन भरा राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसी वजह से वह महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसे में फैसला तो उन्होंने कर लिया था ताकि श्री कृष्ण के साथ उनका गहरा आत्म संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर सकें।
वे कहाँ जा रही थी उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा अकेली और कमजोर होती चली गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनसे मिलने उनके सामने आए। राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि वह कुछ उनसे मांग ले, लेकिन राधा ने उनसे मांगने से इनकार कर दिया। दोबारा राधा ने श्री कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक बार अंतिम बार उनके बांसुरी सुनना चाहती हैं। बांसुरी को लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन बजाने लग गए। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण बजाई जब तक कि आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण के शरीर में पुंज रूप में विराजमान हो गई। तो ये था राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद और कृष्ण जी और राधा जी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हमने दी इस वीडियो के माध्यम से। आपको कैसे लगी? आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी को जय श्री।